अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बर्ड्स रीडिंग नॉलेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन चिक्स को तकरीबन 28 दिन हो चुके हैं। तो ग्रोथ भी माशाल्लाह चेक करें, फीमेल्स की जो टेल है दुम वो भी काफ़ी निकल आई है। तो एक ये चिक्स है, ये इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो शायद इसका हाजमा नहीं ठीक, तो खाता भी स्लो है। तो इसके लिए मैंने ये फ्लैजल ली है ताकि इसका जो हाजमा है वो ठीक हो जाए, पेट में अगर कोई ख़राबी वगैरह है तो वो ठीक हो जाए। ये एंटी एमेबिक भी है और एंटी इन्फेक्टिव भी है। तो इसका मैंने तकरीबन एक सीसी लिया है और एक सीसी पानी का मिक्स करके आधा पहले दिया है, तो आधा जो है वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गया थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह आधा सीसी अभी थोड़ी देर ठहर के देंगे तकरीबन ये 2-3 घंटों के बाद, ताकि वो जो पहले वाला वो हज़म हो जाए या गिजड़ में चला जाए या आगे आंदों तक चला जाए। तो ये देखें, ये खुराक के लिए देख रहे हैं कि खुराक मिलेगी, लेकिन अभी इनका टाइम ही हुआ। तो 3 टाइम फीड करवाता हूँ मैं वेट करके, मतलब कितना वेट हुआ। तो प्रोटीन आज नहीं था दिया, उसके लिए ये मैंने जो है ब्लैक चिक काले चने वो उबाले हैं और पीस के वो दे रहा हूँ इन्हें। और इनके पानी में आज तकरीबन 5 ग्राम 100 ml में ये ORS दिया है, ताकि इनके जो नमकियात हैं और वो मिनरल्स वगैरह वो पूरे हो जाएं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सफाई वगैरह हर दूसरे दिन तीसरे दिन लाजमी करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्लोज रूम है तो इसके अंदर बदबू वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए मैंने नीचे ये शीट्स वगैरह बिछाई हुई हैं। तो फ्लैजल दिए, इंशाल्लाह फ्लैजल अब देंगे इंजेक्शन में। इंजेक्शन में ही मिक्स किया, एक सीसी पानी लिया था और एक सीसी फ्लैजल लिया ये वाली। तो इंशाल्लाह बेहतर है काफ़ी पहले से। बाकी मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह, बाकी जिस तरह कोई मसला होगा इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो बनाएंगे। कोई आपकी रिकमेंडेशन हो या कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।